हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। इस वक्त का टाइम हो रहा है 7:45। आज देखो मैं कितना लेट उठी हूँ, क्योंकि कल मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। तो अब उठने के बाद सबसे पहले, ब्रश करने के बाद सबसे पहले मैं पीती हूँ 2 ग्लास गर्म पानी, यानी कि वॉर्म, जो कोसा पानी होता है ना, उससे थोड़ा सा ज़्यादा गर्म होता है, चाय जितना गर्म होता है कि मैं पी सकूं। और मुझे यही सूट करता है, इससे मेरी आंखें भी खुल जाती है, मुझे चाय की नीड नहीं पड़ती है और मेरा पेट भी साफ़ होता है। तो मैं आराम से इस तरह का, जो बियर ग्लास जितनी क्वांटिटी, ये सबसे बड़ा ग्लास है मेरे पास, इसलिए मैं इसको ही लेती हूँ, और कुछ मत समझना, ठीक है। तो इसी ग्लास के मैं 2 ग्लास पीने वाली हूँ और फिर हम वॉशरूम जाएंगे और उसके बाद हम लोग चेक करेंगे हमारा वेट। तो चलो मैं फटाफट फिनिश करती हूँ और फिर दोबारा मिलते हैं सीधा हम लोग वेट की जगह पे। तो हमारा वेट तो आ गया है बहुत अच्छा। आगे चल के बताती हूँ कि मेरा वेट कितना आया। आज तो मैं बहुत ही खुश हूँ, तो मेरा डांस भी आप लोगों ने देख लिया, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर बना रही हूँ हमारी फर्स्ट फैट कटर ड्रिंक। ये है थायराइड वाले पर्सन्स के लिए, जिनको हाइपोथायरॉयडिज्म है, जिनको मोटापा है थायराइड की वजह से, उन लोगों के लिए बेस्ट चाहिए। ये है कोरिएंडर सीड्स का पाउडर, सॉरी कोरिएंडर सीड्स की चाय कह लो। तो इसमें सर कुछ भी नहीं करना, बस आपको कोरिएंडर सीड ओवरनाइट सोक्ड करके ऊपर सुबह उबाल लेना है 15 मिनट, और जब बचा हुआ जो पानी होगा कोरिएंडर सीड का, उसको पीना है सिप सिप करते हुए एक जगह बैठकर, और ये आपको ट्रिमेंडस रिजल्ट देने वाला है। मैं इसको बहुत लंबे टाइम से पी रही हूँ, यानी कि मोर देन 10 ईयर हो चुके हैं। तो ये स्पेशल थायराइड वाले लोगों के लिए है, तो अगर आपको थायराइड है तो इसे ज़रूर पीजिए। मुझे है तो मैं इसको पी रही हूँ, ठीक है। तो अब हमारा नेक्स्ट आता है 8:30 से 9 बजे के बीच में हमारा है ब्रेकफास्ट। तो आज ब्रेकफास्ट में मैंने लिया है थोड़ा सा अचार, बिल्कुल चुन्नू सा अचार लिया मैंने, और 2 ओट्स के चीले बनाए हैं। इस ओट्स को और सूजी को मैंने एक साथ भिगो दिया था, ठीक है, और उसके बाद इसको हमें ज़रा सा ग्राइंड किया है और चीले के तरह के डोसा बना लिए, तो बड़ा ही हेल्दी है। तो चलो फिर आगे बात करती हूँ। सो वेलकम। इस वक्त हो रहे हैं 9:45 और मेरे हस्बैंड भी जस्ट अभी ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, उनको चाय दी है मैंने। तो मैं थोड़ा सा 15 मिनट लेट हो गई हूँ ब्रेकफास्ट करने में। तो मैं लेकर आई हूँ सांभर और ओट्स का चीला कहूँगी या ओट्स का डोसा कह लूँगी, क्योंकि डॉक्टर शिखा मैम ने जो है क्या बोलते हैं उसको, ओट्स की वेराइटी के लिए मॉर्निंग में बोला है कि आपको ओट्स से डिफरेंट डिफरेंट चीज़ बनानी है। आप उनके चैनल से भी ले सकते हो, खुद से बना सकते हो। तो मैंने तो ओट्स और जो रोस्टेड रवा होता है ना, उसको मिक्स करके नमक मिर्च वगैरह डाल के उसका एक पतला सा बैटर बना दिया और उसका डोसा बना दिया। तो मैं लेकर आई हूँ 2 डोसे, वो मैं आपको पिक्चर में ऑलरेडी दिखा चुकी हूँ। तो चलो फिर यहीं से शुरू करते हैं फटाफट से। बहुत भूख लग रही है यार, सुबह रात को मैंने दूध पिया था ना, तो अब मुझे सच में बहुत भूख लग रही है। तो चलो फिर। तो मेरा ब्रेकफास्ट हो चुका है, तो अब मैं करती हूँ मेरे घर के काम। मेरा पूरा घर तहस नहस हो रखा है, तो वो मुझे करना है। और ये देखो भाई साहब, मुझे छोटी सी पिंपल निकल के आ गया है। तो भैया ये नहीं चलेगा है ना। तो चलिए फिर मैं करती हूँ घर के काम, बिकॉज मेरे पास मेड नहीं है, मैं सारा काम खुद करती हूँ, ठीक है। तो अभी मेरे एकदम तहस नहस मचा हुआ, मैं दिखा भी नहीं सकती, इतना भयंकर तहस नहस है। हस्बैंड ऑफिस जा चुके हैं, बेटी के लिए ब्रेकफास्ट बना रही हूँ फटाफट से। आलू का पराठा बनाती हूँ उसके लिए, वो खा लेगी, और उसके बाद हम लोग मिलते हैं सीधा हमारे मॉर्निंग के मिड मॉर्निंग स्नैक्स, जो कि हमें फ्रूट लेना है। तो चलिए फिर वहीं मिलते हैं, बाय। एक काम कर लूँ मैं, हेलो, वापस आ चुकी हूँ मैं और मेरा पिंपल। ये सब गुजरे हैं 11, मैं अभी तक काम कर रही हूँ। मुझे पोछा लगाना, झाड़ू लग चुका है, घर पूरा सेट हो चुका है, आरवी नहा चुकी है, उसको पढ़ने बिठाया हुआ है, वो अपना भी मिनी स्नैक्स कर रही है, माँ भी मिनी स्नैक्स कर रही है, बच्ची भी मिनी स्नैक्स कर रही है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ फ्रूट। इस समय हमें लेना है मिनी स्नैक फ्रूट,
तो मुझे ऐसा लग रहा है मैं शायद ज्यादा ही लेकर आ गई, बट मैं इतना खाने वाली नहीं हूँ। ठीक है, तो मेरे पास है ग्रेप्स, इस वक्त मेरे पास बनाना रखा हुआ है, ग्रेप्स रखा हुआ था, और मेरे पास क्या था, और मेरे पास क्या था, भूल गई फिर से पता नहीं क्या था, मेरी बेटी पीछे से बोल रही है ऑरेंज था, तो मेरी बेटी ऑरेंज खा रही है, मिनी स्नैक्स, मैं खा रही हूँ ग्रेप्स। तो इसमें थोड़े से बचने वाले, मैं इतना नहीं खाऊंगी। ठीक है, तो चलो फिर शुरू करते हैं। और आज का वेट बहुत अच्छा आया है, पता मैं कितनी खुश हो गई थी जब मेरा वेट 73.7 चले गया, और मुझे बिलीव नहीं हुआ, मैं इतनी खुश अपना वेट देखी कि मैंने कहा यार ये क्या था, सीधा 1 kg ड्रॉप हो गया, 1 kg से भी ज्यादा ड्रॉप हो गया, बिकॉज लास्ट वेट वॉज 74.9। ठीक है, और नेक्स्ट डे आपको वेट आया था 73.7। भाई साहब, मतलब मैं क्या बताऊँ आपको, 1 kg और कुछ 100 और 200 आप मान के चल सकते हो, लेकिन ये मेरा जो है सपना टूट गया, और अचानक से मेरी वेट मशीन ने मुझे वेट दिखाया 74.5 ग्राम, तो 74 ही मान के चलेंगे उसको। तो मुझे लगा कि यार चलो ये बहुत अच्छा है, 900 ग्राम आपको मिल रहा है, बट मैं ज्यादा खुश होती अगर मेरा वेट 73.700 आता तो वाह मजा ही आ जाता यार। तो चलो कोई बात नहीं, आज की डेट हम बहुत अच्छा करने वाले, तो देखते हैं कि कल मेरा वेट कितना आता है। मैं उम्मीद करती हूँ कल मेरा वेट 73.5 आए तो मजा ही आ जाएगा यार। हम लोग कितनी जल्दी जल्दी कवर कर रहे हैं, ये डाइट काम कर रही है, अगर आपको थायराइड है तो ये डाइट आप काम कर रही है, लेकिन यस कुछ पाने के लिए कुछ तो होना पड़ता है, तो हमें जो है सब्जी खानी पड़ेगी। इसमें भी हमें चावल सिर्फ मॉर्निंग टाइम में दिए हुए हैं, तो चावल बनाएंगे यार, कल से याद आया, कल बनाएंगे ब्राउन राइस मॉर्निंग की ब्रेकफास्ट में। ठीक है, तो चलो यार बहुत बातें होगी, पर खा लेते हैं उसको। सो हेयर आई एम बैक, और मैं आ गई हूँ अपना लंच लेके। मेरे पास लौकी उबली हुई रखी थी, इसलिए लौकी को तड़का लगाया, ये वही रायता जो मैंने कल खाया था, तड़के वाला, मतलब फ्रेश है, कल वाला नहीं है, सिर्फ लौकी कल वाली है, बाकी सब कुछ फ्रेश है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। हाय वेलकम बैक, मैं आ चुकी हूँ रात का डिनर लेकर, और डिनर में आज फिर से दूध है। एक्चुअली मैं ना 1-2 घंटे के लिए अपने फ्रेंड के घर चली गई थी, तो उन्होंने भी मुझे ग्रीन टी पिलाई, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने उस चीज़ का मान रखा कि मैं डाइट कर रही हूँ, अदरवाइज लोग जो है ज़बरदस्ती करते हैं कि खाओ है ना, तो हालांकि जो ज़बरदस्ती करते हैं उनका भी बहुत अच्छा होता है, लेकिन इन्होंने मेरी लाज रखी कि मैं डाइटिंग में हूँ, तो इसलिए उन्होंने मुझे ग्रीन टी पिलाई थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच भाभी जी, और मेरे दोस्त भी हैं, उनको भाभी भी बोलते हैं। ठीक है, तो मैं जस्ट अभी घर पे आई हूँ, और मैंने बनाया है अपना वही कल वाला दूध। अगर उसकी रेसिपी आपने नहीं देखी है तो कल के चैनल में देख लीजिए कि मैंने आपको बताया कि मैंने उसमें क्या क्या चीज़ मिलाई है। तो एक कप चाय वाला जो कप होता है ना, उतना मैंने दूध लिया है, और मैं आपको दिखाती हूँ। बारिश हो रही है, बहुत तेज बारिश हो रही है, कम से कम भी 2 घंटे से बारिश हो रही है। देखो
पे बरसा पानी। चलो फिर अंदर जाके दूध पीते हैं। आ गई हूँ मैं, ये रहा मेरा हल्दी वाला दूध। एक्चुअली ऐसा ज़रूरी नहीं है, मुझे किसी ने पूछा है कि आप रात को सिर्फ दूध ही लेते हो क्या? नहीं, जो चीज़ मुझे कंफर्टेबल लगती मैं वही लेती हूँ। तो मेरा ऐसा कुछ भी खाने का मन नहीं है, मतलब भूख लगी हुई है बट कुछ भी खाने का मन नहीं है, और स्पेशली दाल खाने का मेरा बिल्कुल मन नहीं था। तो मुझे लगा कि मैं गर्मा गर्म जो है चाय तो पी नहीं सकती, इतना अच्छा मौसम हो रखा है, तो गर्मा गर्म दूध पीते हैं और उसी से अपने आप को तृप्त करते हैं और कल का ब्रेकफास्ट अच्छा बना लेंगे। लाइक मैं सोच रही हूँ ब्राउन राइस वगैरह बनाऊँ अपने लिए। तो ये देखो यार, पिंपल शादी से पहले पिंपल है ना, तो इसलिए तो मैं दूध पी रही हूँ। आप लोग निशा मैडम के हिसाब से, निशा मैडम बोले सॉरी डॉक्टर शिखा मैडम के हिसाब से आप लोग डिफरेंट काइंड ऑफ सूप ले सकते हैं। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप चिकन ले सकते हो, फिश ले सकते हो, एग ले सकते हो। मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ इसलिए मैं ये सब चीज़ नहीं ले सकती, तो मेरे पास ऑप्शंस कम है बट आई एम वेरी हैप्पी कि मैं ये चीज़ कर लूँगी। तो इसलिए मैं जो है, मेरे पास वेजिटेरियंस के लिए ऑप्शंस हैं कि आप रात को जो है दाल ले सकते हो, ठीक है, आप लौकी वाली दाल ले सकते हो, मूंग दाल, लौकी दाल ऐसे ले सकते हो, ठीक है। उसके साथ में कोई रोटी चावल कुछ नहीं है, सिंपल वही और सलाद के साथ में आपको करना, और आपका जो लंच जो आपका डिनर है वो 7 बजे फिनिश हो जाना चाहिए। मैं दूध ले रही हूँ इसलिए मैं ये 8:30 ले रही हूँ, और जो ड्रिंक होगी फैट कटर ड्रिंक जो होगी वो मैं 10:30 के आसपास ले लूंगी, तो 2 घंटे का गैप पड़ जाएगा, तब तक मैं घर के बाकी काम कर। सो गाइज, इस वक्त बज रहे हैं 10। एक्चुअली पहले मेरा फोन स्विच ऑफ हो गया था, मेरे ही फोन बेचारा बार बार स्विच ऑफ हो जा रहा है क्योंकि इस फोन से मैं बहुत सारे काम करती हूँ, तो ये बेचारा बैटरी तो जानी ही है, ठीक है। तो बस अब मैं कर रही हूँ अपने नाइट ड्रिंक, पीती हूँ और फिर मैं सोना। मैं बहुत थकी हुई, पता नहीं क्यों मुझे बड़ी थकावट होने जाती है आजकल, है ना। और 20 तारीख को हम लोग निकल रहे हैं, तो मुझे, मेरे पास है कल का दिन, तो मुझे कल तो मुझे एकदम धांसू तरीके से पैकिंग करनी है, एकदम फाइनल पैकिंग मुझे कल करनी है। तो देखते हैं कि कल क्या होता है। और यस, आज का वेट तो मैंने आपको बता ही दिया कि मेरा कितना आया है, अब वेट है कि हमारा कल का वेट कैसा आएगा। तो उम्मीद के साथ आपको अभी तक की जो वीडियोस मिल रही हैं वो अच्छी मिल रही होंगी, आपको अच्छी लग रही होंगी। कमेंट करते रहिए और विश्वास रखिए कि हम लोग बहुत अच्छा वेट लूज कर सकते हैं। तो इस वक्त हम फटाफट से देखो, अब टाइम में दिखाती हूँ आपको, ये देखो इस वक्त रात के बज रहे हैं 10:45, ठीक है। तो फटाफट से मुझे पीनी है और 10:30 मैं सो जाऊंगी, 10:30-10:40 तक मैं सो जाऊंगी, ठीक है। और मेरा बाकी सारा काम हो चुका है, ठीक है, तो बस यही है अपडेट। तो चलो फिर फटाफट से करते हैं, मैं करती हूँ अपना स्किन केयर, पहले पी लेती हूँ और फिर करती हूँ अपना स्किन केयर और फिर हम सो जाएंगे, एकदम ब्यूटी स्लीप लेंगे, गुड स्लीप लेंगे, गुड साउंड स्लीप लेंगे, ठीक है। तो चलिए गाइस, मिलती हूँ अब सीधा हमारे नाइट ड्रिंक के साथ में, ठीक है। मैं आ चुकी हूँ अपना रात की नाइट ड्रिंक लेकर। इस वक्त आपको शायद मैं थोड़ी सी, हाँ अब शायद दिख रही हूँ, थोड़ी सी डल हूँगी क्योंकि मैंने जो है डिम लाइट यूज कर रखी है। तो मैं ये पी रही हूँ अपनी नाइट ड्रिंक और बस इसको पीते हैं और कल का वेट करते हैं। वेट कल का अच्छा आना चाहिए, होप फॉर द बेस्ट, जैसा भी रहेगा जैसा भी है, ठीक है। और चलो फिर आज इस वीडियो को करते हैं यहीं पे बंद। अपना ध्यान रखिएगा, वेट लॉस आप लोग कर रहे हो कि नहीं मुझे जरूर बताओ, कौन कौन इस डाइट को फॉलो कर रहा कौन नहीं। दोबारा फिर से बता दूं कि ये डाइट थायराइड, सिर्फ थायराइड वालों के लिए नहीं है। अगर आप थायराइड पेशेंट नहीं हो, आपको थायराइड नहीं है, तो आप जो है मॉर्निंग की जो फैट कटर ड्रिंक है वो स्किप करके बाकी सब चीज एज इट इज फॉलो कर सकते हो, आपको वेट लॉस जरूर होगा, ठीक है। तो चलिए फिर इसको करती हूँ, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट डे एक अच्छे से वेट लॉस के साथ में। अपना ध्यान रखिएगा, बाय गाइस, गुड नाइट।